भारत 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हर वर्ष हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और यह जो स्वतंत्रता दिवस है बहुत ज़्यादा खास है। बहुत ज़्यादा खास इसलिए है कि जो जम्मू एंड कश्मीर भारत के संविधान से भिन्न चलता था, उसका एक अलग संविधान था, उसका एक अलग से निशान था, उसका एक दोहरी नागरिकता वहाँ पर थी, एक अलग उसका विधान था, ये तमाम चीज़ें 5 अगस्त को इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक संशोधन करते हुए इसे समाप्त किया है और आज जम्मू एंड कश्मीर पूरे भारत के एक समानता के रूप में आ गया है। अब भारत में 2 विधान नहीं हैं, अब भारत में 2 प्रधान नहीं हैं, अब भारत में 2 झंडा नहीं है, अब संपूर्ण भारत का एक झंडा है। अब इस प्रकार से जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे असली मायनों में इस वर्ष वो लोग आज़ादी पाए हैं और वहाँ चारों तरफ खुशियाँ हैं। वहाँ सारे लोग कह रहे हैं कि आज हम भारत से जुड़े हैं। भारत जिस प्रकार से विकासशील देश से विकसित देश की ओर अग्रसर है, हम सब भी अब उसी श्रेणी में आएंगे। अब यहाँ पर जो बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों के रोजगार के अवसर खुलेंगे। यहाँ पर जो लंबे समय से पंचायती राज व्यवस्था जो नहीं कायम हो पाई थी, वह पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर कायम होगी। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना, पंचवर्षीय योजनाएं जो वहाँ पर नहीं चल रही थी, वो तमाम का कॉलेजों का अभाव था, यूनिवर्सिटी का अभाव था, वहाँ पर मेडिकल संस्थानों का अभाव था, जिस कारण से वहाँ के बीमार लोग हमेशा बीमारी से इलाज नहीं करा पाते थे, गरीब लोग इलाज नहीं करा पाते थे, समय पर इलाज नहीं होता था। ये तमाम जो समस्याएं वहाँ देखने को मिलती थी, उन समस्याओं का भी अंत हो गया है। वहाँ के बेरोजगार कहीं भी रोजगार नहीं कर पाते थे, जिस कारण से उन्हें वहाँ के जो आतंकवाद था, जो माहौल आतंकवाद का जो माहौल वहाँ पर बना हुआ था, जो पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत में घुस करके जो भारत के जम्मू कश्मीर में रहने वाले नौजवानों को गलत रास्ते पर भटका रहे थे, वहाँ पर नौजवानों को पथराव के लिए भटकाते थे 100-200 रुपया दे करके। और अब देश में जब एक कानून एक विधान जब बन गया है तो सारे लोग एक हो गए हैं और अब जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी भटकना नहीं पड़ेगा। पत्थरबाजी भी समाप्त हो गई है और उनके भी रोजगार के अवसर अब खुलने लगे हैं और निश्चित रूप से यह इस देश के लिए बहुत कल्याणकारी कदम उठाया गया है। और मैं आज ऐसे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जितनी भी बातें मैं कह लूँ वो बहुत कम होगी, इसीलिए आज पूरे मायने में भारत को एक बार फिर से आज़ादी मिली है। आज पूरा देश एक हुआ है। इस देश की अखंडता, इस देश की संस्कृति, इस देश का धरोहर, सारे चीज आज हम सबको देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से देश में ऐसे ही प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, ऐसे ही गृह मंत्री की आवश्यकता है और सभी लोगों को इस देश के महान प्रधानमंत्री को मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। 15 अगस्त के अवसर बधाई देता हूँ और पूरे भारतवासियों को भी मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि पूरा भारत वर्ष जो है पूरा जश्न मना रहा है, खुशियाँ मना रहा है अपनी आज़ादी के। और आज़ादी जब और खास हो तो जश्न भी और खास हो जाता है।